हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोंडुचेरी वेटरन्स T20 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर पोंडुचेरी वेटरन्स प्रेसिडेंट वर्सेस यनम वेटरन्स 11 के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में यहाँ पर आइस T10 के वीडियोस मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पर त्रिपुरा वुमन और यहाँ पर BPL T20 के वीडियोज़ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 3:30 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी CHM ग्राउंड पुडुचेरी इंडिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस रहेगी, हालांकि यहाँ पर ठीक ठाक रन्स बनते और कुछ प्लेयर हैं दोनों ही टीम के पास जो कि यहाँ पर कुछ अच्छे और बड़े स्कोर कर सकते, इवन 200 के प्लस भी आंकड़ा जा चुका है इसी टूर्नामेंट के अंदर। तो मैंने एवरेज यहाँ से 140 प्लस मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ आंकड़े मैंने मेंशन किया, अभी जून या जुलाई मंथ के अंदर इनका एक T20 टूर्नामेंट खेला गया था जो रेगुलर हमने कवर किया था। 32 में से उस मैच के अंदर 13 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती थी, चेजिंग करते हुए 16 बार टीम ने जीती थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज चेजिंग करने वाली टीम को रहेगा, हालांकि शुरुआत के कुछ मैचेस पहले बैटिंग करने वाली भी टीम ने भी जीती थी, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको वहीं पर भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी टीम PVP की, जो कि 5 मैच के लिए जहाँ से 4 मैच वो जीती है, 1 मैच उनका अबंडेंट रहा। ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त है, टॉप पे चल रही है अभी के लिए टीम, और अभी तक का परफॉर्मेंस भी इनका जबरदस्त रहा है। ओपनिंग में कौन है, तो सैजू टाइटस के साथ यहाँ पर वेंकट रमन S यहाँ पर ओपनिंग करवा रहे हैं। और इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो ऐसे एज अ प्लेयर के लिए तो दोनों ही इम्पोर्टेंस है। इवन सैजू टाइटस की बात करूँ तो इनको एज अ प्लेयर के साथ हम लोग यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बैटिंग से ऊपर आते हैं, ओपनिंग में आते हैं, साथ में ऐसे ओवर्स वगैरह करवा लेते हैं। लास्ट मैच की बात करूँ तो 3 विकेट्स भी निकाली थी, तो एज अ प्लेयर के साथ यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है, इनको कर सकते हैं। बाकी वेंकट रमन S की बात करूँ तो डेफिनेटली अच्छी चॉइस है, इनको भी आप लोग एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो ग्रैंड लीग वगैरह में। बात करें यहाँ पर गिलबर्ट A, जो कि यहाँ पर अच्छे प्लेयर है और इन्होंने अभी तक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया हुआ है। देखो बैटिंग की बात करूँ तो लास्ट मैच करें इन दोनों ने बैटिंग की थी, यानी कि ये बिना विकेट से जीत गए थे, सामने वाली टीम को जल्दी ऑल आउट करके यहाँ पर बिना विकेट से जीत गए थे। तो अभी वन डाउन कौन आएगा ये थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से गिलबर्ट भी आ सकते हैं, जय कुमार भी आ सकते हैं, यहाँ पर विनायका मुर्गन भी आ सकते हैं, तो तीन में से वन डाउन आएगा कौन ये कन्फ्यूजन वाली बात है। लेकिन गिलबर्ट की बात करूँ तो ये इस टूर्नामेंट के अंदर 2 बड़े स्कोर करवा चुके हैं, 34 और 22 जैसे 2 बड़े स्कोर करवा चुके हैं, साथ ही में यहाँ पर ओवर्स वगैरह पूरी करवा रहे और विकेट्स भी, बात करूँ तो हर एक मैच के अंदर विकेट निकाली, एक मैच को अगर छोड़ दे तो इवन 2 बार तो इन्होंने 3-3 विकेट निकाली हुए। तो एज अ प्लेयर के साथ जैसे कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की इस टीम की बात करूँ तो सेफ चॉइस यहाँ पर गिलबर्ट A है, लेकिन ज़्यादातर जनता यहाँ पर जय कुमार को बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन कर रही है। अच्छा प्लेयर है, यहाँ पर 2 बड़े स्कोर भी करवा चुका है 33 और 40 जैसे, साथ में विकेट्स की बात करूं तो 2 बार विकेट निकाल चुका है, तो भरोसा इनके ऊपर कर सकते हो आप लोग, इनको भी चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो जो भी कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है यहाँ पर टॉप के 4 प्लेयर है, बाकी नीचे इतना कुछ खास पोटेंशियल दिखेगा नहीं आपको। बात करें से पार्थिपन P, अभी तक कुछ खास किया नहीं है, रिस्की है। बिना गया मुर्गन की बात करूँ तो बैटिंग से एक बार ऐसे 71 रन जरूर किए थे, इनको लेके जाने में फायदा वही है कि ये दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, जबकि ओवरऑल 3-4 ऑप्शन है आपको बस विकेट कीपिंग सेक्शन से, जिसमें सबसे अच्छे यहाँ पर अगर कोई प्लेयर के ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हो जैसे विना गया मुर्गन है, तो मैं हम लोग इनके साथ जाएंगे। बाकी वेल मुर्गन के इनका नाम है पूरा,
और ये भी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से ही दिखेंगे, जिनको लेके जाने का लगभग कोई मतलब बनेगा नहीं। बाकी शशि कुमार वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, दो बार यहाँ पर बड़े परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो डेफिनेटली लेके जाना है। या से नदराज जाने को आप लोग लेके जा सकते हैं, या से राजू कन्नू डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर चाहिए, क्योंकि ये स्ट्राइकर गेंदबाज है। इस टीम की बात करूँ तो इनको डेफिनेटली लेके जाना है। वदीवेल टी की बात करूँ तो पहली मैच जब खेले थे तब एक विकेट निकाली थी, दूसरी मैच की बात करूँ तो विकेट लेस रहे थे, यानी कि ओवर्स गेंदबाजी नहीं करवाई उन्होंने। स्टार्टिंग ओवर्स में से राजू के वी और यहाँ पर नदराज जने ए यहाँ पर स्टार्ट करवा रहे हैं। डेथ ओवर्स में ऐसे एस टाइटस के साथ गिलबर्ट ए डेथ में आएंगे। बैच में ऐसे कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। अभी के लिए बात करें हम लोग ऐसे YV11 की, तो YV11 ने अभी तक 5 मैच खेले, जहाँ से 2 मैच वो जीते, एक मैच उनका हारे एक मैच, और 2 मैच उनके अबांडोनेट रहे। ओपनिंग में कौन है यहाँ पर, एम भानु किरण कुमार के साथ या से जी रमेश बाबू ने ओपनिंग करवाया। लास्ट मैच की बात करूँ तो इसके पहले वाली मैच की बात करूँ तो गणेश कुमार ने ओपनिंग करवाया था, तो वही कन्फ्यूजन है। देखो पहली मैच के अंदर, इसके पहले वाली मैच के अंदर ओपनिंग करवाए थे, लास्ट मैच के अंदर 9वें नंबर पर बैटिंग कर लिया है, तो यही कन्फ्यूजन है। बाकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो भानु किरण को हम लोग लेके जाएंगे, ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, 72 रन किए थे लास्ट मैच के अंदर, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करवाई थी, तो एज अ प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंस बनते हैं। बाकी जी रमेश बाबू को आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर उसकी गेंदबाजी भी करवाई, बैटिंग से भी 10 रन किए। हालांकि इससे पहले 2 मैच की बात करूँ तो दोनों ही मैच के अंदर उनकी न तो बैटिंग आई न तो बॉलिंग आई। बात करें ऐसे एम रामाकृष्ण वर्मा, तो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर 28, 58, 49 तीन बड़े स्कोर करवा चुके, 2 बार 2 विकेट निकाल चुके और 1 बार 1 विकेट निकाला हुआ है। टीम की कैप्टनशिप करवा रहे हैं और आपकी टीम की भी ऐसे कैप्टनशिप यहाँ पर एम रामाकृष्ण वर्मा करवा सकते हैं। बात करें ऐसे जी सत्यनारायण, जो कि पिछली 3 मैच की बात करूँ तो 4-4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करवा रहे, विकेट्स की बात करूँ तो 2 मैच के अंदर उनको विकेट मिली है और 1 मैच के अंदर विकेट लेस रहे, और पहली मैच के अंदर 40 रन किए थे, तो ऐसे बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर है, और इनको भी आप लोग एज ए प्लेयर के साथ कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हो। पी सुमन बाबू ओके रहेंगे, इनको बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तभी ट्राई करना है। बाकी के सत्यनारायण के ऊपर भरोसा कर सकते हो, सेकंड लास्ट मैच के अंदर 40 रन के साथ 1 विकेट निकाली थी, हालांकि इसके अलावा बाकी टूर्नामेंट के किसी मैच के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, तो यहाँ से इनके ऊपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे स्मॉल लीग में भी लेके जा सकते हो। दुर्गा प्रसाद एक अच्छी चॉइस है, अभी देखो 2 चॉइस बनने वाली है आपके पास, या तो KVV सत्यनारायण है या तो यहाँ से दुर्गा प्रसाद है, दोनों में से किसी एक को लेके जा सकते हो। लेकिन बात करें दुर्गा प्रसाद की तो ये थोड़े से सेफ रहेंगे, क्योंकि इनका सिलेक्शन ज़्यादा है और स्मॉल लीग में ज़्यादा पता पब्लिक लेके आएंगी, तो ये सेफ रहेंगे। आप लोग रिस्क लेना चाहो तो KVV सत्यनारायण को लेना है। बाकी वाई गणेश कुमार अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई कर सकते हो बैटिंग सेक्शन से, हो सकता है अगली मैच के अंदर वापस ओपनिंग में आ जाए, क्योंकि इसके पहले ये ओपनिंग किए थे। चंद्रशेखर ने लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाली थी, तो अगर कोई चॉइस ना मिले तो ऐसे इनके ऊपर भी भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये 4-4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करवा रहे हैं। स्टार्टिंग में एम जया रामू स्टार्ट करवाएंगे, स्टार्टिंग ओवर्स की बात करो तो एम आर वर्मा और एम डी प्रसाद यानी कि दुर्गा प्रसाद स्टार्ट करवाएंगे, और डेथ ओवर्स में ऐसे जी बाबू एक ही ओवर्स की गेंदबाजी की थी लेकिन वो डाली थी उन्होंने डेथ में। बैच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी दे सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। बात करें अगर विकेट कीपिंग सेक्शन की तो ऐसे वी मुरुगन एम को मैंने लिया हुआ है, बाकी और 2 चॉइस है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग को रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैं यहाँ पर मुरुगन के साथ ही जाऊँगा। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर जया कुमार है, इनके साथ ऐसे वेंकट रमन एस है, और यहाँ पर गिलबर्ट ए को लिया हुआ है मैंने बैटिंग सेक्शन से, बाकी जया रामू काफ़ी रिस्की है। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर एम दुर्गा प्रसाद के साथ एम किरण कुमार, इनके साथ ऐसे जी सत्यनारायण और एम वर्मा हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर आप लोग किरण कुमार की जगह पर ऐसे नदराज जाने को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ये रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर ऐसे दुर्गा प्रसाद की जगह पर नदराज जाने, आई थिंक ऐसे दुर्गा प्रसाद की जगह पर नदराज जाने अच्छी चॉइस रह सकते हैं। तो जो लोग सेफ जा रहे हैं वो दुर्गा प्रसाद को लेंगे, जो लोग रिस्क ले रहे हैं वो जैसे नदराज जाने को लेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो जैसे एस टाइटस के साथ यहाँ पर शशि कुमार एस और यहाँ पर के सत्यनारायण हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग आर कन्नू वी को ट्राई कर सकते हो, के सत्यनारायण की जगह पर आर कन्नू वी को ट्राई कर सकते हो, आई थिंक हमें इनके साथ जाना चाहिए, और इनकी जगह पर मैं ऐसे लेकिन इनको ले नहीं पा रहे, वही कन्फ्यूजन है कि मैंने इनको लिया हुआ नहीं है। बाकी यहाँ से एक तो शशि कुमार है, ऐसे टाइटस है, यही बात है कि आप लोग यहाँ से यार कन्नू को ले सकते हो, किन की जगह पर
इनकी जगह पर आते हैं तो इनको ले ले सकते हैं। चलो नदराज जाने की जगह पर हम लोग ऐसे पी कन्नू भी को लेंगे। टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी हमारी। मैं ऐसे वाइस कैप्टन चेंज करना चाहूँगा, मैंने वाइस कैप्टन पहले टाइटस को किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर गिलबर्ट सेफ लग रहे हैं। तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन रहेंगे हमारे यहाँ से एम वर्मा, वाइस कैप्टन यहाँ से गिलबर्ट ए रहने वाले। चॉइस की बात करूँ तो ऐसे जी सत्यनारायण, और यहाँ पर टाइटस और यार पकड़ में आता टाइटस। तो इन दोनों में से किसी को भी आप लोग यहाँ से वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी। याद रहेगी जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है फाइनल लाइनअप के बाद। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। या अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।